ये थे मीसम कासमी साहब। सामईन ने साबित किया कि अगर अच्छे शेर पढ़े जाएं तो दाद ज़रूर मिलेगी, ये सामईन साबित कर रहे थे। आइए हजरात, अक्सर नाजिमों के मुंह से सुना होगा कि एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूं जो नमाज़ हाथ बांध कर करता है, नमाज हाथ बांध कर पढ़ता है और ज़िक्र अहले बैत दिल खोल कर करता है, मगर मैं आज जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूं उसने अपनी कुछ उम्र ज़िंदगी के कुछ इबादतें हाथ बांध के की, मगर उसके बाद में अब जो इबादत करता है चाहे वो नमाज़ पढ़े तब भी हाथ खोल के करता है, नमाज़ पढ़ता है और ज़िक्र मौला भी करता है तब भी दिल खोल कर करता है। आइए हजरात, कुछ दिन पहले हाथ बांध के इबादत करने वाला इंसान हाथ खोल कर इबादत जब करता है तो कैसा महसूस होता है, आप खुद महसूस करेंगे उनके जज्बे से और उनके अकीदे से इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि उनके दिल के अंदर मौला का इश्क किस तरीके से पेवस्त है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब अंबर तुराबी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बनारस की सरजमीन से दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं, आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हजरत सलामुन अलैकुम, सबसे पहले मैं जश्न की मुबारकबाद आप तमामी हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और बिला तमहीद तरह से सफ़र का आगाज़ करता हूँ एक मिलजुल कर नारे सलवात का सहारा दे पर मोहम्मद वाले। भैया चाय वाय बंद कर दो, दो मिनट खाली सिर्फ तरह पे पढ़ूंगा, मतलब हाजिर करता हूँ एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनेंगे हजरत। पेश करता हूँ मतलब बतौर ख़ास कि जलवाए तूर ने, जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है, बतौर ख़ास समाप्त करेंगे हजरत। दूसरा मिसरा अगर पहुँच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। पेश करता हूँ कि जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है, किन आँखों की बतौर ख़ास समाज फरमाए कि जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है, जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है जिसने शब्बीर के रोज़े की ज़ियारत की, के रोज़े की ज़ियारत की है, जिसने शब्बीर के जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है जिसने शब्बीर के रोज़े की ज़ियारत की है। अब यहाँ से शेर पेश करता हूँ, बिल्कुल सादी शायरी है और कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं, क्योंकि उम्र के एतबार से शायरी होती है, शायरी इल्म के एतबार से होती है, उम्र के एतबार से नहीं, जितना इल्म होगा उतनी अच्छी शायरी होगी। पेश करता हूँ, जलवाए तूर ने उन आँखों की मिदहत की है जिसने शब्बीर के रोज़े की ज़ियारत की है। शेर समाज फरमाए के जुल्म का कोई भी दरबार नहीं है बाकी, जुल्म का कोई भी दरबार नहीं है बाकी, जब से दरबार में आबिद ने खिताबत की है,
दरबार में आबिद ने खिताबत की है। जब से दरबार में आबिद ने खिताबत की है। और ये भी शेर लखनऊ आज़ादारी के हवाले से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, पेश करता हूँ। जब से दरबार में आबिद ने खिताबत की है, देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने। काफिया अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है। देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है। इस्लाम की सूरत की है। देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है, खुशनुमा और भी। देखिए दहर में सरवर की आज़ादारी ने, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है। हज़रत, मैं अब मियार जरवली उस्ताद मोहतरम जनाब मियार जरवली साहब के मिसरा उनकी अमानत उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वाकया अभी तक जितने लोगों ने तज़मीन पढ़ी सब ने अच्छी तज़मीन लगाई, लेकिन एक कोशिश मैंने भी की है, एक मंज़र है, आप मेरी तरफ़ मुखातिब रहिए। इंशाल्लाह वो मंज़र अगर आप तक पहुंच गया तो इस बात का तो मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा। मैं पेश कर रहा हूँ, खुशनुमा और भी इस्लाम की सूरत की है। तो 1400 साल से आज़ाद नमाजों ने कहा, 1400 साल से आज़ाद नमाजों ने कहा, जिक्र सज्जाद ने सजदों की हिफाजत की। के 1400 साल से आज़ाद नमाजों ने कहा, जिक्र सज्जाद ने सजदों की हिफाजत की है, जिक्र सज्जाद ने सजदों की हिफाजत की है। 1400 साल से आज़ाद नमाजों ने कहा, जिक्र सज्जाद ने सजदों की हिफाजत, जिक्र सज्जाद ने
سجدوں کی حفاظت کی ہے۔ اور حضرت یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرما لیں، خوشنما اور بھی اسلام کی صورت کی۔ ابھی تک میں جب سے اس محفل میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک دو شاعروں کو نہیں سنا ہے، باقی سب کو سنا ہے، لیکن ابھی تک یہ قافیہ نہیں آیا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر واقعاً یہ نیا قافیہ ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پیش کرتا ہوں، خوشنما اور بھی اسلام کی صورت کی ہے، خواہش فاطمہ زہرا ہے عزادار حسین، خواہش فاطمہ زہرا ہے عزادار حسین، اس لیے رب نے عزاداروں کی خلقت کی ہے، اس لیے رب نے IP کوٹے والا یہ خواہش فاطمہ زہرا ہے عزادار حسین، اس لیے رب نے عزاداروں کی خلقت کی ہے۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در فری زمانے میں، ہمیں حسین کا ماتم سکھا، نر حیدری۔ دوستو، عمبر ترابی کے بارے میں ایک بات بتا دوں، جب عمبر ترابی نے موڈ بنا لیا کہ حق کی طرف جایا جائے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ادھر کیوں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں مشاعرے پڑھنے کا شوق ہے تو ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں اور تم پڑھو، ادھر پڑھو۔ تو عمبر صاحب نے کہا، مجھے باطل کی بھیڑ نہیں پسند، حق کی قلت پسند ہے۔ یہ ہے عمبر ترابی صاحب، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ آج یہ ہے کہ یہ تو باقاعدہ طور سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ طریقے سے شیعہ ہیں، مگر ان کی محنتیں وہ رنگ لائیں کہ بنارس میں ایک سنت جماعت کی باقاعدہ انجمن ہے جو نوحہ خوانی کرتی ہے اور شب بیداریوں میں برابر شرکت کرتی ہے۔ ایک بابا آواز بلند نعرے سے بات پڑھیں، خواہش فاطمہ زہرا ہے عزادار حسین، اس لیے رب نے عزاداروں کی خلقت کی ہے۔ اور بالکل لکھنؤ کے مزاج کا شعر پیش کر رہا ہوں، ایک شعر الگ سے یہ بھی ہو گیا ہے، خواہش فاطمہ زہرا ہے عزادار حسین، اس لیے رب نے عزاداروں کی خلقت کی ہے، آ نہیں سکتے سر فرش علی کے دشمن۔ قافیہ بطور خاص، آ نہیں سکتے سر فرش علی کے دشمن، دور اس ذکر سے خالق نے نجاست کی ہے۔ دور اس ذکر سے خالق نے نجاست کی ہے۔ عزت، ایک شعر میں نے 26 جنوری پہ کہا تھا اور جو میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، وہ ایک قافیہ الگ سا ہو گیا تھا، میں پیش کرتا ہوں، خوشنما اور بھی اسلام کی صورت کی ہے، خوشنما اور بھی اسلام کی صورت کی ہے، جب سے عباس کے پرچم
کا ملا ہے سایہ کافیہ بطور خاص جب سے عباس کے پرچم کا ملا ہے سایہ پاک اس روز سے دھرتی میرے بھارت کی